हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों आज है 18 जुलाई, और जैसा कि दोस्तों कल भी मैंने आपको बताया था कि UKPSC दोस्तों कल को यानी कि दोस्तों आज जो है 18 जुलाई को अपर निजी सचिव का दोस्तों भर्ती विज्ञापन जारी करने वाला है। UKPSC ने दोस्तों विज्ञापन जारी कर दिया है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी दोस्तों यहाँ पर शुरू हो गई है। और इसमें दोस्तों आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो दोस्तों 7 अगस्त रखी गई है। अगर दोस्तों फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो 12 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक दोस्तों फॉर्म में यहां पर संशोधन का मौका दिया जाएगा। दोस्तों जो ये विज्ञापन है, या तो दोस्तों आप UKPSC की इस वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर दोस्तों टेलीग्राम पर हमारा चैनल है शिखर स्टडी पॉइंट नाम से। करीब दोस्तों वहाँ पर 27,000 अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। तुरंत दोस्तों मैं इस विज्ञापन को शेयर कर दूँगा। दोस्तों एक ज़बरदस्त नौकरी है अपर निजी सचिव APS, तो अति महत्वपूर्ण निर्देश दोस्तों आप भी भली भांति पढ़ लीजिएगा। जो भी दोस्तों UKPSC के द्वारा भर्ती विज्ञापन जारी किए जाते हैं उनमें दोस्तों महत्वपूर्ण निर्देश जो है सेम रहते हैं, आप दोस्तों इनको भली भांति पढ़ लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों 43 पेजों की पूरी PDF है, फॉर्म आपको बिल्कुल सही भरना है, गलती होगी तो सुधार का भी मौका मिलेगा। बाकी फर्जी प्रमाण पत्र ऐसा वैसा कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल जो है आपको खुद का ही देना है, खुद ही फॉर्म भरना है, या फिर किसी से भरा रहे हैं तो खुद वहाँ पर उपस्थित रहना, कोई मतलब कि गलत भी हो जाता है कई बार। तो इसमें दोस्तों जो है 99 पद हैं। उत्तराखंड सचिवालय में आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में अपर निजी सचिव दोस्तों APS के यहाँ पर 99 पदों पर दोस्तों भर्ती विज्ञापन जो है UKPSC ने जारी कर दिया है। परीक्षा कैलेंडर के अनुसार दोस्तों माह अक्टूबर 2024 में शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग एग्जाम प्रस्तावित है, द्वितीय चरण की परीक्षा के संबंध में सूचना। तो पहले दोस्तों इसमें जो है शॉर्ट हैंड और टाइपिंग होगी, क्योंकि दोस्तों प्री एग्ज़ाम तो सभी बच्चे पास कर लेंगे उत्तराखंड में इसका, क्योंकि दोस्तों शॉर्ट हैंड और टाइपिंग दोस्तों बहुत कम अभ्यर्थी जो हैं इसमें निकल पाते हैं, और उधम सिंह नगर से हरिद्वार से यहाँ से तो खैर हर बार इस भर्ती में ज़्यादा निकलते हैं। तो ये तो दोस्तों कोई भी सीखे लेकिन हर कोई निकलता है, लेकिन आता दोस्तों चलता है यहाँ से, ये वाली बेल्ट दोस्तों ज़्यादा निकलती है इसमें। तो जो भी है दोस्तों वहाँ से जिनको शॉर्ट हैंड आती है, क्योंकि टाइपिंग भी सभी बच्चे कर लेते हैं, टाइपिंग जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड दोस्तों अक्टूबर में है। अभी से भी दोस्तों अगर कोशिश करें तो रात दिन क्या पता दोस्तों हो जाए, बाकी कोई हर्जा नहीं है। 99 दोस्तों इसमें पद हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जनरल के लिए 37 पद हैं, 37 में से 11 पद महिलाओं के खाते में है, बाकी सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। OBC के लिए 20 पद हैं, 2 पद महिलाओं के हैं। ST के लिए 6 पद हैं और SC के लिए दोस्तों 28 पद हैं। तो 99 पदों पर दोस्तों भर्ती विज्ञापन निकल गया है। EWS के लिए 5 पद हैं, बाकी दोस्तों यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। लोक सेवा आयोग में दोस्तों 3 पदों पर भर्ती विज्ञापन निकला है। अपर निजी सचिव दोस्तों APS अपने आप में दोस्तों एक मानी जानी पोस्ट ये कही जाती है। उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन विभाग एवं उत्तराखंड लोक सेवा पदों की संख्या 99 और लेवल 8 की दोस्तों ये जॉब है। लेवल 8 में दोस्तों उत्तराखंड में बहुत कम ही भर्तियां निकलती, जैसे दोस्तों एक तो जैसे FRO की भर्ती निकलती है, APS भर्ती निकलती है, RO की भर्ती निकलती है, GIC प्रवक्ता की भर्ती निकलती है। तो लेवल 8 की दोस्तों जो है बहुत कम ही भर्ती हैं जो उत्तराखंड में निकलती हैं, क्योंकि सीमित नौकरियाँ हैं उत्तराखंड में। तो लेवल 8 दोस्तों ज़बरदस्त भर्ती यहाँ पर है। अराजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त अस्थायी, तो यहाँ पर दोस्तों सभी अभ्यर्थी भर सकते हैं, स्नातक होने चाहिए, और परंतु यह है कि कंप्यूटर ज्ञान संबंधी प्रायोगिक परीक्षा पास करना अनिवार्य है। दूसरा यह है कि दोस्तों हिंदी लेखन में दोस्तों आंसू लिपि में 80 शब्द दोस्तों पहले से ही रहता है, और कंप्यूटर पर टाइपिंग यानी कि टंकड़ यानी कि टाइपिंग 8,000 की डिप्रेशन होनी चाहिए। तीसरा यह है कि अंग्रेजी आंसू लेखन में न्यूनतम 100 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकड़ 9,000 की डिप्रेशन ये भी चाहिए। और स्पष्टीकरण यहाँ पर यह है कि दोस्तों अंग्रेजी आंसू लेखन परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए वैकल्पिक होगी, किंतु अंग्रेजी आंसू लेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को चयन में अधिमान दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आपको इंग्लिश में आंसू लिखी नहीं आती है तो तभी काम चल जाएगा, हिंदी में आती है तो अच्छी बात है, क्योंकि हिंदी से ही आपका काम चल जाएगा। बाकी जिन अभ्यर्थियों को दोनों आती है तो उनको फायदा वहाँ पर मिलने वाला है। आयु सीमा की दोस्तों अगर बात करें तो 21 से लेकर 42 साल तक यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है, जो कि हर बार रहती है। और SC ST OBC को जो है 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे। दोस्तों विज्ञापन जारी हो गया है, आप भी दोस्तों विज्ञापन को भली भांति पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद तुरंत दोस्तों फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों विज्ञापन यहां पर जारी हो गया है। पहले दोस्तों टाइपिंग टेस्ट और स्टेनो की परीक्षा यहां पर आपकी होने वाली है, तब जाके दोस्तों इसका जो है दूसरा चरण शुरू होगा। फीस दोस्तों यहां पर जो रहेगी 200 रुपये, रजिस्ट्रेशन शुल्क दोस्तों ये आपका यहां पर रहने वाला है। सिलेबस भी दोस्तों सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो विज्ञापन दोस्तों या तो आप आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर दोस्तों टेलीग्राम पर हमारा चैनल है। जो अभ्यर्थी टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तुरंत दोस्तों मैं इस विज्ञापन को जो है शेयर कर दूंगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रथम चरण में क्या क्या होने वाला है।
हिंदी टंकण, हिंदी टाइपिंग दोस्तों, अहकारी परीक्षा 15 अंक 10 मिनट की टाइपिंग होती है, 2 मिनट के लिए वहाँ पर जो है आपको टेस्ट के लिए दिया जाता है ट्रायल के लिए। अंग्रेजी टंकण 15 अंकों की ये भी है, 10 मिनट इसका भी है। कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा 1.5 घंटे का समय दोस्तों, 100 अंकों की परीक्षा करी दोस्तों, इसमें 40 नंबर लाने होते हैं। और हिंदी आशुलेखन 135 अंक हैं इसके, 5 मिनट 35 सेकंड आपको जो है दिए जाएंगे। अंग्रेजी आशुलेखन अहकारी परीक्षा 135, 5 मिनट 35 सेकंड ये भी है। अधिमानी अहकार हेतु वैकल्पिक प्रश्न पत्र दोस्तों, ये अगर इंग्लिश में आती तो अच्छी बात है। द्वितीय चरण में दोस्तों यहाँ पर वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी निबंध एवं आशुलेखन, क्योंकि दोस्तों ये जो पेपर है ना इसके यहाँ पर एक से एक दोस्तों खिलाड़ी यहाँ पर बैठे हुए हैं उत्तराखंड में, जो सामान्य अध्ययन और इस पेपर को यहाँ पर निकालने की कुपथ रखते हैं। लेकिन दोस्तों आशुलिपि वाले बच्चे अभी भी कमी है उत्तराखंड में, तो जिनको ये आशुलिपि आती है तो उनके लिए यहाँ पर एक गोल्डन चांस है, सुनहरा मौका है, जो कि दोस्तों 99 पदों पर दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने दोस्तों जारी किया है। टाइपिंग परीक्षा के संबंध में दोस्तों ये देख लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर सब कुछ दिया गया अंक दोस्तों किस प्रकार है, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और टाइपिंग परीक्षा दोस्तों जो उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर टर्मिनल पर प्रायोगिक परीक्षा पाठ्यक्रम दोस्तों ये है, वहाँ पर दोस्तों आपको दिया जाता है पेज, वहाँ पर आपको दिए जाते हैं सब कुछ दोस्तों, बढ़िया रहता है यह है, ये भी पास करना जरूरी रहता है। और हिंदी आशु लेखन तो ये भी रहेगा 135 अंकों का, 80 शब्द पर मिनट ये होनी चाहिए आपकी। किसी अभ्यर्थी की त्रुटियाँ 5% से अधिक होती है तो उसे सेवा आयोजन हेतु अहर नहीं समझा जाएगा, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि अनाप शनाप नहीं करना है। द्वितीय चरण में उसको पेपर होगा, पेपर का सिलेबस तो ये देखिए, सिलेबस बहुत आसान है। पहले दोस्तों यही जो पहले का चरण दोस्तों ये है, ये सबसे मुश्किल है दोस्तों, बाकी ये दोस्तों क्योंकि जो समूह की तैयारी करते आ रहा है यूके त्रिपुरा से UPSC की, तो उनके लिए बहुत आसान यहाँ पर ये रहने वाला है। बाकी निबंध दोस्तों ये होगा, तो आरओ अभ्यर्थी के लिए बहुत फायदेमंद रह सकती है, बाकी जिन्होंने आशुलिपि सीखी हुई है, क्योंकि टाइपिंग तो कोई भी कर लेता है। हालांकि दोस्तों अभी भी अगर आप अभी से भी रात दिन लग जाएंगे तो अभी भी दोस्तों ट्राई करने में उसको कोई हर्जा नहीं है, जो लोग अभ्यर्थी अभी से सीखना चाहते हैं आशुलिपि, हालांकि समय लगता है, फिर रात दिन आपको देना पड़ेगा। तो बाकी दोस्तों देख लीजिएगा, जो अभ्यर्थी भर पाते हैं बहुत अच्छी बात है, जल्दी से भर लीजिए फॉर्म को। बाकी उत्तराखंड में इस भर्ती के लिए भी लंबे समय से इंतजार चल रहा था, करीब बहुत सालों से दोस्तों, पिछली भर्ती जो है 2017 या कितने में आई थी, उसके बाद दोस्तों अभी जो ये भर्ती आई है, एक सुनहरा मौका यहाँ पर है। लेवल 8 की जॉब है, अच्छी नौकरी है, लोक सेवा आयोग में आप बैठेंगे, सचिवालय में आप बैठेंगे, तो ये रुतबा रहता है जॉब का। तो ये देखिए दोस्तों उत्तराखंड सचिवालय अपने आप में ही बहुत बड़ा मतलब कि नाम है, उत्तराखंड सचिवालय, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो भर्ती कराता है सभी जो हमारी परीक्षा होती है बड़ी बड़ी, चाहे कोई भी नौकरी हो। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी, बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अगर आपके मन कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। बाकी दोस्तों विज्ञापन में तुरंत शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर।